नमस्कार, मेरा नाम मनोज भाटिया है। अभी आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी अनुरोध सुनने जा रहे हैं। कहानी में कई जगह उमर खयाम जी का जिक्र आता है। उमर खयाम 12वीं शताब्दी में ईरान के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक थे। उन्होंने जिस काव्य शैली में अपनी रचनाएँ लिखीं उन्हें रुबाइयाँ कहा जाता है। उमर खयाम गणितज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे, और उनका मानना था कि इस अर्थहीन जीवन में हम सिर्फ अपने तरीके से ही अर्थ भर सकते हैं, इसलिए खाओ पियो और मौज करो। लेकिन यह अधूरी बात है, उमर खयाम जी को समझने के लिए एक लंबा समय चाहिए। स्त्री पुरुष के जटिल संबंधों पर आधारित हमारी यह कहानी दो पात्रों वीणा और निरंजन के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा पात्र जिसका जिक्र कहानी में बार बार आता है, वह अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और कहानी के अन्य पात्रों को प्रभावित करता है। ऊपरी तौर पर कहानी सरल साधारण सी लगती है, लेकिन उसके अंदर कई गहरी परतें हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं कहानी अनुरोध। कल रात को मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, अभी आप ना जा सकेंगे, आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीणा ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की मुस्कुराहट खेल गई। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपने जेब से एक पत्र निकालकर वीणा के सामने रख दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही कि मैं ना जाऊं, तो जब तक आप ना कहेंगी मैं ना जाऊंगा। वीणा ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए, मैं कोई पत्र वत्र ना पढ़ूंगी और ना आपको जाने ही दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप ना पढ़ना चाहें तो भले ही ना पढ़ें, पर उनकी बात को काटते हुए वीणा ने कहा, अच्छा लाइए जरा देखूं तो सही, किसका पत्र है? पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन ना समझकर मित्र ही समझें। वीणा ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, यह हो ही नहीं सकता, जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे वह कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूँगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वीणा ने निरंजन की बात नहीं सुनी, वह तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, एक महीने पहले तुम्हारा पत्र आया था, तुमने लिखा था कि यहाँ का काम एक दो दिन में निपटाकर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊँगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज़ तुम्हारा रास्ता देखती हूँ, उधर से आने वाली हर ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका, और मेरे प्राण आकर मुझे क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट ना करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरे से गई बीती हूँ। जब भी दो पक्षियों को एक साथ देखती हूँ तो हृदय में हूक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा, जब आना चाहो, पर मेरा तो जी यही कहता है कि पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीणा के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षणों तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचल थे, किंतु वीणा स्वस्थ ना थी। आज वह रुबाइयों को ना तो ठीक तरह से ही पढ़ सकती थी और ना ही उसका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से वीणा की मानसिक अवस्था छिपी ना रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दें, कल हो जाएगा, चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए। वीणा ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक वीणा के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, वीणा, तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम नहीं मानती। जरा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो, कैसा हो रहा है? वीणा कुछ ना बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत ना करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीणा ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी।
निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीणा अपने आप ही अपनी नज़रों में गिरने लगी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है और इसलिए वह उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है। निरंजन की पत्नी की नम्रता एवं उसके शील और विश्वास के सामने वीणा अपनी दृष्टि में स्वयं को बहुत छोटा समझने लगी। निरंजन भी बहुत नम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वे और भी नम्रता से पेश आते। वीणा उन्हें यहाँ रुकने का आग्रह करती रहती और वे वीणा का आग्रह ना टाल पाते। कई बार जाने का निश्चय करके भी वे ना जा सके। आज वीणा ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि ना रोकूंगी, जा नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु यह कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूँ। ना, अब यह ना होगा। जो बीतेगी वह सहूंगी, पर उन्हें अब ना रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। वीणा उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली, लेकिन उसकी अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद ना हो जाएगा तब तक मैं यहीं रहूँगा। वीणा बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा, हाँ मेहनत तो ज़रूर की है। आपको आज जाना है, आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज़ हो गई हैं क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? वीणा ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज़ होऊंगी आपसे? क्या आपका हृदय इस पर विश्वास कर सकता है? मैं जानती हूँ कभी ना करेगा। जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आप आज रात को गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा, फिर वह अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगे। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। मेरा नाम मनोज भाटिया है। आते रहिएगा चैनल पर, कहानियों और कविताओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।